साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल रेलवे नॉलेज में। साथियों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एसोड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के बारे में, जिसको आजकल MSCP बोलते हैं। तो आपको बताते हैं कहाँ से ये MSCP इसका नाम हुआ और एसोड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम जो पहले कहाँ से डेवलप हुई इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो साथियों इसमें सबसे पहले हम आपके इसके परिचय के बारे में बताते हैं। द फिफ्थ सेंट्रल पे कमीशन इन इट्स रिपोर्ट इन 1997 हैड मेड सर्टेन रिकमेंडेशंस रिलेटिंग टू द एसोड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज इन ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट। तो फिफ्थ सेंट्रल पे कमीशन जो आया था उसने 1997 में जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसने एसोड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के बारे में दिया था। किसके लिए दिया था? जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ थे आल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में, उनके लिए एक रिपोर्ट दिया एसोड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम से रिलेटेड। द एसीपी स्कीम शुड बी व्यूड एज ए सेफ्टी नेट टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ जेन्युइन स्टैग्नेशन एंड हार्डशिप फेस्ड बाय द एम्प्लॉइज ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट प्रमोशनल एवेन्यूज़। अब इसमें क्या था, ये रिपोर्ट किस लिए लाई गई? ये रिपोर्ट लाई गई कि जो स्कीम थी ये किसके लिए लाई गई, जो जिनके साथ मेन प्रॉब्लम क्या थी, स्टैग्नेशन एंड हार्डशिप, जो कमी महसूस कर रहे थे, जिनको मुश्किल हो रही थी अपने प्रमोशन में, जो प्रमोशन सही टाइम पे नहीं पा पा रहे थे, उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, उनका प्रॉपर प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, या प्रमोशन जो था वो काफ़ी समय अंतराल के बाद होता था। तो उसमें सुधार करने के लिए हमारी एसीपी स्कीम लाई गई। अकॉर्डिंगली आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन इट वाज डिसाइडेड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू इंट्रोड्यूस द एसीपी स्कीम इन रेलवेज विथ लेटर नंबर PC 5th 1991 dated 1/10/1999 with certain modification with effect from 1/10/1999। तो उसके बाद जब ये हमारा एग्जामिन किया गया कि एक ऐसी स्कीम होनी चाहिए जो प्रमोशन में जो जिनको मुश्किल हो रही है या प्रमोशन उनका लॉन्ग टाइम पे हो रहा है, तो उनके लिए एक ऐसी स्कीम आना चाहिए। तो उससे रिलेटेड जो स्कीम थी उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया हमारा 1/10/1999 से। इस लेटर के थ्रू लागू की गई थी हमारी एसीपी स्कीम। तो इसमें है डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्स्थ पे कमीशन। अब सिक्स्थ पे कमीशन में हमारा गवर्नमेंट ने क्या रिकमेंडेशन दिए? द एबव एसीपी स्कीम एज वाज इन फोर्स अप टू 31/12/2005 was examined by the Sixth Pay Commission and the Sixth Pay Commission has recommended that the existing scheme of assured career progression scheme may be continued with two financial upgradation being allowed as at present with certain modification। तो सिक्स्थ पे कमीशन के बाद आया। तो सिक्स्थ पे कमीशन में जो था इसकी रिपोर्ट को चेक किया गया प्रॉपर, और उसमें ये कहा गया कि ये जो एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम है ये हमारी कंटिन्यू रहेगी, जिसमें दो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हमारे रहेंगे और इसमें कुछ थोड़े बहुत चेंज कर दिए जाएंगे। आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द पे कमीशन रिलेटेड टू एसीपी स्कीम द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट एज मेड अवेलेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिजोल्यूशन नंबर 11/2008 डेटेड 29/8/2008। उसके बाद हमारा जो उसके रिकमेंडेशन थे उसमें कुछ चेंज हुए। उसके बाद हमारा इस डेट को हमारी क्या क्या चेंज हुए और क्या क्या उसमें मॉडिफिकेशन हुआ उसके वो लाया गया, जो आपके बारे में जो जिसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। देयर विल बी 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द एसीपी स्कीम आफ्टर 10, 20 and 30 ईयर्स ऑफ सर्विस। जो हमारे पहले 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के लिए हमारी बात की गई थी, उसके बाद जो इसमें चेंज हुआ, जो मॉडिफिकेशन हुआ, जो सोचा गया, उसमें हमारे 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द एसीपी स्कीम आफ्टर 10, 20 and 30 ईयर्स ऑफ सर्विस। ये एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑप्शनल में भी पूछता है कि कितने वित्तीय उन्नयन दे है या कितने फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दे है। तो हमारे 3 वित्तीय उन्नयन अब दे होते हैं, पहला 10 साल, 20 साल और 30 साल की सर्विस में। द स्कीम विल आल्सो बी अवेलेबल टू ऑल पोस्ट बिलोंगिंग टू ग्रुप ए वेदर आइसोलेटेड और नॉट। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस विल हाउ एवर नॉट बी कवर्ड अंडर द स्कीम। तो ये जो हमारी स्कीम है ये सभी के लिए लागू होगी, ग्रुप ए बी सी डी। लेकिन किन के लिए लागू नहीं होगी, ये हमारी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए के जो स्टाफ है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज, उनके लिए यह स्कीम लागू नहीं होगी। ये एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि यह स्कीम किसके लिए लागू नहीं है, तो यह स्कीम जो हमारी है ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए लागू नहीं है। बेनिफिट ऑफ पे फिक्सेशन अवेलेबल एट द टाइम ऑफ नॉर्मल प्रोविजन शैल बी अलाउड एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द स्कीम। जो बेनिफिट ऑफ पे फिक्सेशन वो जो अवेलेबल टाइम ऑफ नॉर्मल प्रमोशन था वो अलाउडेड होगा फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द स्कीम। 10 इसलिए एन इंक्रीज ऑफ 3% ऑफ पे एंड ग्रेड पे शैल बी अवेलेबल एज फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द स्कीम। इसलिए क्या होगा, जो एज इंक्रीज ऑफ 3% ऑफ द पे, जो पे का 3% और ग्रेड पे का जो 3% होगा वो अवेलेबल किया जाएगा फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द स्कीम। इस स्कीम के अंडर जो होगा 3% का फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हमारा दिया जाएगा। द ग्रेड पे शैल चेंज एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द ACP स्कीम। द ग्रेड पे गिवन एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर दिस स्कीम विल बी इमीडिएट नेक्स्ट हायर ग्रेड पे इन द हायरार्की ऑफ द रिवाइज्ड पे बैंड एंड द ग्रेड पे। अब फाइनेंशियल अपग्रेडेशन जो हमारा दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, द ग्रेड पे गिवन एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर दिस स्कीम विल बी इमीडिएट नेक्स्ट हायर ग्रेड पे इन द हायरार्की ऑफ द रिवाइज्ड पे बैंड एंड ग्रेड पे। जो हमारा रिवाइज्ड पे बैंड या ग्रेड पे है तो जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हमारा दिया जाएगा तुरंत अगले नेक्स्ट जो ग्रेड पे होगा उसी में दिया जाएगा। सपोज दैट कोई कैंडिडेट हमारा 1800 GP पे भर्ती हुआ है तो उसको 1900 GP दिया जाएगा, या 1900 GP पे है तो उसको 2000 GP दिया जाएगा, या 2000 GP पे है तो उसे 24 GP हमारा दिया जाएगा। इसका कहना ये है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द स्कीम विल बी अवेलेबल वेन एवर अ पर्सन हैज स्पेंड 10 years कंटिन्यूसली इन द सेम ग्रेड पे। कब हमारा फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाएगा, जब किसी कैंडिडेट ने किसी ग्रेड पे में, सेम ग्रेड पे में 10 years की कंटिन्यूसली सर्विस व्यतीत कर दी हो। फर्दर 3 अपग्रेडेशन आफ्टर 10, 20 and 30 years ऑफ सर्विस विल बी अलाउडेड। उसके बाद 10 years तो व्यतीत कर दिए होंगे, उसके बाद 3 हमारे अपग्रेडेशन कब दिए जाएंगे, जब 10, 20 and 30 साल की सर्विस हमारी हो जाएगी। अब मेन जो है मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम MSCP फॉर रेलवे एम्प्लॉइज़। अब रेलवे एम्प्लॉइज़ के लिए क्या है MSCP, पहले इसको कहते थे ACP, फिर आ गई है MACP मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोग्रेशन योजना। द एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम वुड बी नॉन एज मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। इसमें फुल फॉर्म पूछता है, कभी कभी इसमें यहाँ पे मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम में 4 ऑप्शन दे देता है, मॉडिफाइड में कर देता है, मॉडर्न कर देता है, कैरियर को कुछ और कर देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है। तो MSCP का फुल फॉर्म है हमारा मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। दिस स्कीम इज़ ए सुपरविजन ऑफ प्रीवियस ACP स्कीम एंड क्लेरिफिकेशंस इशूड देयर अंडर द शैल बी एप्लीकेबल टू आर रेगुलरली अपॉइंटेड ग्रुप A, B, C एस्पेक्ट ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप A सर्विस। तो इसमें जो हमारी MSCP है वो A, B, C के लिए है, और किसके लिए केवल नहीं है, जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप A सर्विस का स्टाफ जो होता है उसके लिए MSCP नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है ग्रुप कि MSCP स्कीम किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप A के जो स्टाफ होता है उसके लिए हमारी MSCP स्कीम नहीं है। द स्टेटस ऑफ ग्रुप डी एम्प्लॉय वुड सीज ऑन दियर कंप्लीटेशन ऑफ प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग एज रिकमेंडेड बाई द 6th सेंट्रल पे कमीशन एंड वुड बी ट्रीटेड एट ग्रुप C एम्प्लॉय। अब नेक्स्ट कैजुअल लेबर के बारे में बताया गया है, जो कैजुअल एम्प्लॉय होते हैं उनके बारे में बताया गया है। क्या कहा गया है, कैजुअल एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग दोज ग्रांटेड टेम्परेरी स्टेटस एंड एम्प्लॉयज़ अपॉइंटेड इन रेलवेज ओनली ऑन एडॉक और कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स शैल नॉट क्वालिफाई फॉर द बेनिफिट्स अंडर द एफोर्सेड स्कीम। जो स्कीम बताई गई है इसमें कौन कौन से एम्प्लॉय क्वालिफाई नहीं होंगे, जो हमारे कैजुअल एम्प्लॉय इंक्लूडिंग दोज हु ग्रांटेड टेम्परेरी स्टेटस, जिनको अस्थायी होदा मिला हुआ है वो हमारे इस स्कीम में बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। MSCP स्कीम एंड कंटिन्यूस फॉर ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द स्कीम एज गिवन इन एनेक्स। अब कैसे ये होता है, MSCP कैसे लागू होती है ये बताया गया। ए स्क्रीनिंग कमेटी शैल बी कंस्टिट्यूटेड इन ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में एक स्क्रीनिंग कमेटी हमारी होगी। उसमें टू कंसीडर द केस ऑफ ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द एमएससीपी द स्क्रीनिंग कमेटी सेल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 2 मेंबर। तो एमएससीपी की स्क्रीनिंग कमेटी में कितने मेंबर होंगे? एमएससीपी की स्क्रीनिंग कमेटी में 3 मेंबर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो एमएससीपी की स्क्रीनिंग कमेटी जो होती है हर डिपार्टमेंट में होती है, 3 मेंबर होते हैं। द मेंबर्स ऑफ द कमेटी शेल comprise officers holding post which are at least 1 level above the grade pay in which MSCP is considered and not below senior scale grade pay। जो MSCP में जो कमेटी के मेंबर होंगे वो हायर ग्रेड पे के होंगे, जो ग्रेड पे MSCP में लागू होने जा रहा है कम से कम उससे हायर होंगे और सीनियर स्केल के ऑफिसर होंगे। द चेयरपर्सन शुड जनरली बी अ ग्रेड एबव द मेंबर्स ऑफ द कमेटी। जो इसमें 3 मेंबर में 1 मेंबर हमारा चेयरपर्सन होगा, 2 मेंबर हमारे होंगे और जो चेयरपर्सन होगा ये इन दोनों मेंबर से हायर ग्रेड पे का होगा हमारा। ये हमारा कमेटी के बारे में बताया गया है। द रिकमेंडेशन ऑफ द स्क्रीनिंग कमेटी शैल बी प्लेस्ड बिफोर रेलवे बोर्ड इन केसेज वेयर द कमेटी इज कंस्टिट्यूटेड इन रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्री और बिफोर द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन अदर केसेज फॉर अप्रूवल। In order to prevent undue strain of the administrative machinery, the screening committee shall follow a time schedule and meet twice in a financial year, preferably in the first week of the January and first week of the July of a year for advanced processing of the cases maturing in that half। अब इसमें जो इसमें स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है एमएससीपी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि एमएससीपी की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है कितने साल में कितनी बार लागू होती है? तो ट्विस इन अ फाइनेंशियल ईयर, साल में 2 बार लागू होती है। कब कब लागू होती है? फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी एंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई इन एवरी ईयर। किस लिए? कि मतलब कोई डिले ना हो, एडवांस प्रोसेसिंग हो जाए, जो भी एमएससीपी के जो केस हैं उनके एडवांस प्रोसेसिंग हो जाए। इसलिए जो इस कमेटी की बैठक होती है वो साल में 2 बार होती है। पहली होती है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी और दूसरी होती है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। Preferably the first week of January and first week of July of a year for advanced processing of the case maturing. Accordingly, case maturing during the first half of a particular financial year shall be taken up consideration by screening committee meeting in the first week of January. Similarly, the screening committee meeting in the first week of July of any financial year shall process in case would be maturing during the second half। मतलब अक्टूबर से मार्च वाला अगर कोई होगा तो वो जुलाई में ले लिया जाएगा और उससे पहले का कोई होगा अप्रैल से सितंबर तक का तो वो जनवरी में ले लिया जाएगा। यहाँ पे इसके कहने का मेन ये है। हाउएवर टू मेक द एमएससीपी स्कीम ऑपरेशनल द कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज शैल कंस्टिट्यूट द फर्स्ट स्क्रीनिंग कमेटी विद इन अ मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू दीज इंस्ट्रक्शन कंसीडरिंग द केस मैच्योरिंग अप टू 30 जून 2009 फॉर ग्रांट ऑफ बेनिफिट्स अंडर द एमएससीपी। अब मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ये स्कीम कब से लागू है? तो ये स्कीम हमारी 1/9/2008 से लागू। द स्कीम वुड बी ऑपरेशनल 1/9/2008। इन अदर वर्ड्स फाइनेंशियल अपग्रेडेशन एज पर प्रोविजन ऑफ द अर्लियर एसीपी स्कीम वुड बी ग्रांटेड टिल 31/8/2008। अब नेक्स्ट हमारा बताया गया है हमारा यहाँ पे नो स्टेपिंग अप ऑफ पे इन द पेमेंट और ग्रेड पे वुड बी एडमिसिबल विद रिगार्ड टू जूनियर गेटिंग मोर पे देन द सीनियर ऑन अकाउंट ऑफ पे फिक्सेशन अंडर एमएससीपी स्कीम। इस जो पैरा है इसका कहने का मेन मतलब ये है, हम आपको ऐसे समझा दे रहे हैं कि अगर कहीं पे 2 कैंडिडेट हैं, एक सीनियर है एक जूनियर है और जूनियर ने एमएससीपी के तहत इससे ज़्यादा ग्रेड पे पा लिया है तो सीनियर को स्टेपिंग अप नहीं किया जाएगा, सीनियर अपने ग्रेड पे में रहेगा। सपोज दैट यहाँ पे कोई सीनियर है वो भी हमारा 1900 ग्रेड पे में है और जूनियर भी है 1900 ग्रेड पे में है, परंतु जूनियर जो है वो 10 साल की सर्विस व्यतीत कर चुका है सेम ग्रेड पे में और उसने एमएससीपी के तहत उसने सीनियर है जूनियर है, अगर दोनों सेम ग्रेड पे में है और अगर इसने जूनियर ने एमएससीपी के तहत 2000 ग्रेड पे पा लिया है तो सीनियर को हमारा स्टेपिंग अप नहीं दिया जाएगा। सीनियर अपना सेम 1900 में रहेगा, जूनियर हमारा 2000 ग्रेड पे में हो जाएगा एमएससीपी के तहत। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट नो पास्ट केसेस वुड बी रीओपन फर्दर वाइल इम्प्लीमेंटिंग द एमएससीपी स्कीम। द डिफरेंस इन पे स्केल ऑन अकाउंट ऑफ ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द ओल्ड एसीपी स्कीम एंड अंडर द एमएससीपी स्कीम विद इन द सेम cadre shall not be constructed as anomaly. Treatment of employees selected under LDC GDC clarification। अब जो एम्प्लॉय एलडीसी जीडीसी में हुए थे उनके लिए क्या है, रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ बेनिफिट्स अंडर एमएससीपी इन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज क्वालिफाइंग थ्रू एलडीसी जीडीसी क्लैरिफिकेशन हैज़ बीन गिवन एज अंडर। जो एलडीसी जीडीसी के तहत क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए क्लैरिफिकेशन दिया गया है। इफ़ द रिलेवेंट आरआरस प्रोवाइड फॉर फिलिंग ऑफ वैकेंसीज इन अ ग्रेड बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ ए एम्प्लॉय टू दैट ग्रेड through LDC GDC may be treated as direct recruitment for the purpose of grant of financial obligation under MSCP. In such cases, past service rendered in a lower pay scale grade pay shall not be conducted for the purpose of MSCP. अब क्या कहा गया है इसमें, if a relevant RR provide for filling of vacancies in the grade by direct recruitment, inductions of employee to that grade through LDC GDC may be treated as direct recruitment for the purpose of grant of financial obligation under MSCP. मतलब जो LDC या GDC के तहत जो नियुक्ति होती है उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की तरह माना जाएगा पर्पज़ ऑफ ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर MSCP। जो MSCP के तहत फाइनेंशियल अपग्रेडेशन देना है तो LDC और GDC का जो होगा उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की तरह ही हमारा ट्रीट किया जाएगा। इफ़ द रिलेवेंट आर प्रिस्क्राइब्ड ए प्रमोशन कोटा टू बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एलडीसी जीडीसी सच अपॉइंटमेंट वुड बी ट्रीटेड एट प्रमोशन फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिट अंडर द एमएससीपी। इन सच केसेस पास्ट रेगुलर सर्विस शैल आल्सो बी काउंटेड फॉर पर्पस बेनिफिट इफ एनी अंडर द एमएससीपी स्कीम। अगर हमारा जो प्रमोशन कोटा फिल किया जा रहा है एलडीसी जीडीसी के थ्रू कोई प्रमोशन कोटा फिल किया जा रहा है तो उसमें जो पहले की सर्विस है वो हमारी एमएससीपी स्कीम के लिए काउंट होगी। अब मॉडिफाइड एसओड करियर प्रोग्रेशन स्कीम, इसमें और बताया गया है, क्या बताया गया है इसमें, 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होंगे, ये हमने आपको बता दिया पहले। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, कितने वित्तीय यूनियन रहते हैं, 3 वित्तीय यूनियन रहते हैं, कब कब रहते हैं, कंप्लीटिंग ऑफ 10, 20 या 30 ईयर्स ऑफ सर्विस। कभी कभी ऑप्शन में दे देता 5, 10, 15, कभी कभी 15, 20, 25 दे देता है। तो इसके लिए क्वेश्चन यही 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। 10, 20 और 30 वर्षों की क्वालिफाइंग सर्विस हो जानी चाहिए तब मिलता है हमारा फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द स्कीम विल बी एडमिसिबल व्हेनेवर पर्सन हैज स्पेंट 10 ईयर्स कंटिन्यूसली इन सेम ग्रेड पे। कब दिया जाता है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, जब 10 साल की सर्विस हमारा सेम ग्रेड पे में पूरा कर लेता है। द एमएससीपी इनविसेज मेरली प्लेसमेंट इन द इमीडिएट नेक्स्ट हायर ग्रेड पे इन द हायरार्की ऑफ द रिकमेंडेड रिवाइज्ड पे बैंड एंड ग्रेड पे एज गिवन इन सेक्शन 1 पार्ट ए ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द सीसीएस रूल्स 2008। इसमें भी ये क्या कहा गया है, जो एमएससीपी है केवल वही इंक्रीमेंट देता है जो हायरार्की में नेक्स्ट उसका ग्रेड पे होता है, उसको बाईपास नहीं करता है। जैसे कोई 1900 में है तो उसको 2000 मिलेगा, 2000 में है तो उसको 2400 मिलेगा, 2400 में है तो उसको 4200 मिलेगा, 2400 वाले को 4600 नहीं मिलेगा। द फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द एमएससीपी वुड बी एडमिसिबल अप टू हायर ग्रेड पे रुपीज़। ये पुराने उसका दिया हुआ है 6th पे कमीशन का, इसके हिसाब से 7th पे कमीशन में हम लोग देख लेंगे कि फाइनेंशियल अपग्रेडेशन एमएससीपी में वहीं तक मिलता है। बेनिफिट्स ऑफ द पे फिक्सेशन अवेलेबल एट द टाइम ऑफ रेगुलर प्रमोशन सेल आल्सो बी अलाउडेड एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द स्कीम। जो पे फिक्सेशन का हमारा बेनिफिट है रेगुलर प्रमोशन के टाइम, वो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन जो उसमें है वो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन इस स्कीम में भी हमारा मिलेगा। इसलिए द पे शैल बी रेज्ड बाई 3% ऑफ द टोटल पे इन द पे बैंड एंड द ग्रेड पे ड्रॉन बिफोर सच अपग्रेडेशन। तो जो हमारा पे होगी वो 3% इंक्रीज कर दी जाएगी। नो फर्दर फिक्सेशन ऑफ द पे एट द टाइम ऑफ रेगुलर प्रमोशन इफ़ इट इज इन द सेम ग्रेड पे एज ग्रांटेड अंडर एमएससीपी। इसमें कहा गया है कि नो फर्दर फिक्सेशन ऑफ पे एट द टाइम ऑफ रेगुलर प्रमोशन इफ़ इट इज इन द सेम ग्रेड पे एज ग्रांटेड अंडर एमएससीपी। अगर जैसे कोई कैंडिडेट है हमारा एमएससीपी के तहत, जैसे हमारा कैंडिडेट हमारा 2000 ग्रेड पे में था, उसको एमएससीपी के तहत 2400 ग्रेड पे मिल गया, ठीक है, और उसके प्रमोशन मान लीजिए 2400 ग्रेड पे तो एमएससीपी के तहत मिला और उसका प्रमोशन भी हमारा 2400 ग्रेड पे में हुआ है, तो उसको कोई फर्दर फिक्सेशन नहीं मिलेगा रेगुलर प्रमोशन पे। मतलब 2000 का कैंडिडेट अगर हम एमएससीपी के तहत उसको 2400 मिला है और उसका फिर बाद में प्रमोशन होता है और उस कैडर में प्रमोशन होता है जो उसकी 2400 कैडर ही है, तो उसको कोई भी फर्दर फिक्सेशन हमारा नहीं मिलेगा। ये इस पैरा का ये कहना है। However, at the time of actual promotion, if it happens to be on a post carrying higher grade pay, then what is available under MSCP? तो कहा गया at the time of actual promotion, if it happens to be in a post carrying higher grade pay, then what available under MSCP? अगर actual promotion होता है जो higher grade pay में होता है तब क्या होगा MSCP में? No pay fixation would be available and only difference of grade pay would be made available। अगर वो हो जाता है, कोई प्रमोशन हो जाता है हायर ग्रेड पे में, तब क्या होगा? तब उसको केवल एक डिफरेंस दिया जाएगा, जो हमारा डिफरेंस होगा वो मिलेगा, उसको पूरा पे फिक्सेशन का फ़ायदा हमारा नहीं मिलेगा। सपोज़ दैट कोई कैंडिडेट हमारा 1900 ग्रेड पे में है, हमारा 1900 ग्रेड पे में है, उसको एमएससीपी के तहत, पहले हमने शायद 1900 को 2400 में भेज दिया था, नहीं 1900 के बाद एक ग्रेड पे जो आता है हमारा 2000 आता है, पहले बोल दिया था वीडियो में शायद, सॉरी उसके लिए। तो 1900 ग्रेड पे के बाद अगर हमारा 2000 का ग्रेड पे में किसी को एमएससीपी मिल जाती है और उसका प्रमोशन हमारा हो जाता है 2400 ग्रेड पे में, 2400 ग्रेड पे में हमारा प्रमोशन हमारा हो जाता है उसका, तो उसको 1900 से 2400 का कोई लाभ नहीं मिलेगा, उसको 2000 और 2400 का डिफरेंस मिलेगा, ये इसमें कहा गया है हमारा। ठीक है, टू इलस्ट्रेट इन, इसको इसका वर्णन करने के लिए कहा गया है, इन केस अ गवर्नमेंट सर्वेंट ज्वाइन एज अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द ग्रेड पे ऑफ 1900 इन पेमेंट फर्स्ट एंड ही गेट्स नो प्रमोशन टिल कंप्लीटेशन ऑफ 10 years ऑफ सर्विस, ही विल बी ग्रांटेड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर एमएससीपी इन नेक्स्ट हायर ग्रेड पे ऑफ 2000 इन एंड हिज पे विल बी फिक्स्ड बाई ग्रांटिंग हिम 1 इंक्रीमेंट प्लस द डिफरेंस ऑफ ग्रेड पे ₹100। After availing financial upgradation under MSCP, if a government servant get his regular promotion in the hierarchy of his grade, his cadre, which is to the cadre of 2400, the regular promotion, he will only be granted the difference of grade pay between 2000 and 2400. नो एडिशनल इंक्रीमेंट विल बी ग्रांटेड एट दिस स्टेट। यहाँ पे यही बात हमारी बताई गई थी जो अभी हमने आपको पहले बताई है कि कोई कैंडिडेट हमारा है एमएससीपी के तहत, वो नॉर्मली जो उसका रिक्रूटमेंट हुआ था हमारा 1900 जीपी में हुआ था और उसने एमएससीपी के तहत 2000 जीपी उसने पा लिया ग्रेड पे, और उसका उसके बाद प्रमोशन हो गया, जो प्रमोशन उसका हुआ 2400 में हुआ। तो एमएससीपी के तहत तो उसने ये पाया था, ये किसी प्रमोशन में उसने 2000 जीपी पाया नहीं था, और 2400 तो उसको जो हमारा पे फिक्सेशन होगा वो 2400 और 2000 के बीच के डिफरेंस के बीच होगा, उससे कोई एडिशनल इंक्रीमेंट हमारा नहीं दिया जाएगा। यही हमारा ये चीज़ कहा गया है कि ही विल ओनली बी ग्रांटेड द डिफरेंस ऑफ ग्रेड पे बिटवीन 2000 एंड ₹2400, नो एडिशनल इंक्रीमेंट विल बी ग्रांटेड एट दिस स्टेज। Promotion and upgradation granted under the ACP scheme in the past to those grade which now carry the same grade pay due to merger of pay scale upgradation of the post recommended by the Sixth Pay Commission shall be ignored for the purpose of granting upgradation under modified scheme। ये Sixth Pay Commission से Seventh Pay Commission जो चेंज हुआ था उसमें जो हमारा ग्रेड पे था जो मर्ज हो गया, जो उसी के बारे में कहा गया है, उसको हमारा काउंट नहीं किया जाएगा। अब ये हमारा इसमें बताया गया है, कुछ वर्णन किया गया है जो हमने आपको पहले बताया उसी का इसमें एग्जाम्पल है। तो इसमें यह द प्री रिवाइज है कि इन द असेंडिंग ऑर्डर इज ए पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वाज एज फॉलोज, ₹5000 से 8000, ₹5500 से 9000 एंड ₹6500 से 10500। सिक्स्थ पे कमीशन का है, आपको हम इसी में समझाए दे रहे हैं। ए रेलवे सर्वेंट हु वाज रिक्रूटेड इन द हायरार्की इन रिवाइज पे स्केल 5000 से 8000 एंड हु डिड नॉट गेट अ प्रमोशन आफ्टर 25 years ऑफ सर्विस फेयर टू 1/2000, इन दिस केस ऑन 1/2000 ही वुड हैव गॉट टू फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर एसीपी टू द नेक्स्ट ग्रेड इन द हायरार्की ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन इज दैट द रिवाइज स्केल ऑफ 5500 to 9000 एंड ₹6500 to 1050। मतलब इसमें ये बताया गया, इस जो इस पे स्केल पे हमारा कोई कैंडिडेट है उसकी 25 years की सर्विस हो गई है, तो वो दो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, पहला तो 10 साल में पाएगा, दूसरा हमारा जो पाएगा वो हमारा पाएगा 20 साल में, तो उसको ये दोनों अपग्रेडेशन मिल जाएगा। यही टोटल यहाँ पे ये बात कही गई है कि 5,000 से 8,000 उस पर भर्ती हुआ था वो, और 25 साल उसकी सर्विस हो गई है, तो 10 साल में उसको हमारा 5500 से 9,000 वाला मिल जाएगा, और दूसरे 20 साल में हमारा 6500 से 10,500 मिल जाएगा। तो टोटल हमको ये दो कैंडिडेट, ये दो जो ग्रेड पे हैं, किसी कैंडिडेट को ये दो ग्रेड पे मिल जाएंगे। सेकंड कहा गया है अनदर रेलवे सर्वेंट रिक्रूटेड इन द सेम हायरार्की द पे रिवाइज स्केल, कोई अदर कैंडिडेट है जो हमारा 5,000 से 8,000 भर्ती हुआ है, एंड आल्सो कंप्लीटेड अबाउट 25 ईयर्स ऑफ सर्विस बट ही गॉट 2 प्रमोशन इन द नेक्स्ट हायर ग्रेड पे। मतलब जो हमारा एक तो कहा गया था कि MSCP के तहत उसने 25 साल की सर्विस हो गई है, ये दो पा लिया है, ठीक है, और दूसरा कहा गया कि उसने MSCP पाई ही नहीं हो, लेकिन उसका 2 प्रमोशन हो गया। MSCP का वो तभी लागू होता है जब किसी सेम कैडर में 10 साल वो रहे, उसका प्रमोशन ना हो, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा कैंडिडेट है वो हमारा 2 बार प्रमोशन हो जा रहा है, तो 2 बार प्रमोशन में उसने 2 पा लिया, ये इसमें कहा गया है। अब इसके क्या बताया गया, दोनों केस में क्या होगा, इन द केस ऑफ बोथ ए एंड बी एबव द प्रमोशन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ग्रांटेड अंडर ACP टू द पे रिवाइज स्केल ऑफ 55,000, 9,000 एंड 65,000 प्रायर टू 11,200 विल बी इग्नोर्ड ऑन द अकाउंट ऑफ मर्जर ऑफ पे रिवाइज स्केल ऑफ 5,000, 8,000 रुपीज 5,500, 9,000 जो तीनों दिया गया है रिकमेंडेड बाई द 6th CPC एज पर CCS rules, both of them will be granted grade pay of 4200 in the payment to after the implementation of MSCP. 2 financial upgradation will be granted both in case of A and B above to the next higher grade पे 4648। मतलब इसमें टोटल हम आपको एक बार फिर शॉर्ट में बताए दे रहे हैं, कोई कैंडिडेट था उसने पहला फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ले लिया, ठीक है, उसके बाद पहला जो कैंडिडेट था उसने फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ए पाया, ए पे वो नियुक्त हुआ था, 25 साल की सर्विस था, बी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन पा गया, सी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन पा गया। दूसरा कोई कैंडिडेट था वो ए कोई उसका ग्रेड पे था, उस पे नियुक्त हुआ था, उसने 2 प्रमोशन किया, प्रमोशन से उसने ये जो ग्रेड पे था बी उसको पा लिया, फिर प्रमोशन हुआ उसका, उसने सी ग्रेड पे पा लिया, ठीक, ये दोनों आज सेम ग्रेड पे में गए, लेकिन जब पे कमीशन हमारा चेंज हुआ, ठीक है, तो पे कमीशन में उसने उसके बाद इन ये जो प्रोसीजर था इस प्रोसीजर को ख़त्म ही कर दिया गया है, इसको इग्नोर कर दिया गया है कि ये जो पहला कैंडिडेट था हमारा MSCP के तहत पाया, दूसरा कैंडिडेट था हमारा ये प्रमोशन थ्रू पाया, जो तीनों जो जिसकी लास्ट में जो दोनों हमने सी ग्रेड पे माना है, यहाँ पे जो लास्ट में सी ग्रेड पे थी वो टोटल दोनों के मिला के 4200 GP कर दी, 4200 GP हमारी कर दी, ठीक है। अब 4200 GP के बाद अब वो दोनों कैंडिडेट जो हमारे थे 1 और 2 जो दोनों कैंडिडेट थे वो हमारे 4200 GP में आ गए। अब 4200 GP वाला जब हमारा प्रमोशन पाएगा तो वो सॉरी MSCP पाएगा 10 साल में, तो पहली MSCP 4600 हो जाएगी, दूसरी MSCP हमारी उसकी 4800 हो जाएगी, यही बात इसमें की गई है। इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज ग्रांटेड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर ACP टिल 11,200 देयर रिवाइज्ड पे विल बी फिक्स्ड विथ डिफरेंस टू द ग्रेड पे ग्रांटेड टू देम अंडर ACP। अब इसमें कहा गया विद रिगार्ड टू फिक्सेशन ऑफ हिज पे द ग्रांट ऑफ प्रमोशन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर MSCP स्कीम ए रेलवे सर्वेंट हैज़ एन ऑप्शन अंडर रूल 1313 का फर्स्ट ऑफ द इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 2 6 एडिशन 2 रिप्रिंट, ये रेलवे बोर्ड का लेटर नंबर है जो भी, या रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड का नंबर है। पे आइदर फ्रॉम द डेट ऑफ हिज प्रमोशन अपग्रेडेशन और फ्रॉम द डेट ऑफ हिज इंक्रीमेंट, मतलब जो पे फिक्सेशन होता है MSCP स्कीम के तहत, इसका मेन कहने का ये है, आप इसको पढ़ भी लीजिए, हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि जो MSCP स्कीम का पे फिक्सेशन होता है, कोई रेलवे सर्वेंट जो है, ये एक नियम है, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट कोड का IREC का ये जो नियम है, IREC के इस नियम में ये बताया गया है कि जो MSCP पे फिक्सेशन का लाभ होता है वो ऑप्शन में आ सकता है, आइदर फ्रॉम द डेट ऑफ हिज प्रमोशन अपग्रेडेशन और फ्रॉम द डेट ऑफ हिज इंक्रीमेंट, या तो वो अपनी डेट ऑफ प्रमोशन पे ले सकता है, आइदर फ्रॉम द डेट ऑफ हिज प्रमोशन अपग्रेडेशन और फ्रॉम द डेट ऑफ हिज इंक्रीमेंट विच इज 1 जुलाई ऑफ द एवरी ईयर। अब तो डेट ऑफ इंक्रीमेंट 2 हो गए हैं, या तो उसको 1 जुलाई को मिलता है या तो 1 जनवरी को मिलता है, तो ये ऑप्शन IREC के फला वैल्यू में ये इसका वर्णन है। नेक्स्ट है प्रमोशन अर्ड इन द पोस्ट कैरिंग सेम ग्रेड पे इन द प्रमोशन हायरार्की एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स हैल बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ MSCP, ये एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ प्रमोशन रिक्रूटमेंट, ये प्रमोशन लिखा है और रिक्रूटमेंट 2 का क्वेश्चन पूछता है, तो इन 2 में बहुत कन्फ्यूजन होता है, ये आपको ये पैरा आपको याद रखना है कि प्रमोशन अर्ड इन द पोस्ट carrying same grade pay in the promotion hierarchy as per recruitment rule shall be counted for the purpose of MSCP. ये आपको याद रखना है. Consequent upon the implementation of the sixth CPC recommendation, grade pay of ₹5400 is now in two pay bands, which is pay band 2, pay band 3. The grade pay of ₹5400 in pay band 2 and ₹5400 pay band 3 shall be treated as separate grade pay as the purpose of grant of upgradation under MSCP. मतलब जो सिक्स CPC के रिकमेंडेशन में 5400 ग्रेड पे था, उस ग्रेड पे को दो पे बैंड में वो किया गया है. एक तो पहला पे बैंड 2 में और दूसरा पे बैंड 3 में. तो इसमें यही बताया गया है कि दोनों अलग अलग पर्पज के लिए हैं. ऐसा नहीं कि जो 5400 है वो भी सेम अपग्रेडेशन माना जाएगा, पे बैंड 2 और पे बैंड 3 का सेम अपग्रेडेशन, दोनों अलग अलग माना जाएगा. दोनों के लिए सेपरेट रूल है. Regular service for the purpose of MSCP shall commence from the date of joining of a post in direct entry grade on a regular basis, either on direct recruitment basis or on absorption re-employment basis, since rendered on ad hoc contract basis before regular appointment on pre-appointment training shall not be taken into renocking. जो regular service है MSCP कब से, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से हमारी मानी जाएगी. पोस्ट ऑफ डायरेक्ट एंट्री ग्रेड पे जो एमएससीपी की रेगुलर सर्विस, जो क्वालिफाइंग सर्विस जिसको माना जाता है, वो एमएससीपी के लिए वो हमारी जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग से मानी जाएगी. सर्विस रेंडर्ड ऑन एड हॉक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बिफोर रेगुलर अपॉइंटमेंट, रेगुलर अपॉइंटमेंट जो हमारा रेगुलर अपॉइंटमेंट होता है उससे पहले जो सर्विस हमारी एड हॉक पे है, कॉन्ट्रैक्ट पे है या प्री अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग है, तो उसको एमएससीपी के लिए हमारा क्वालिफाई नहीं माना जाएगा. हाउएवर पास्ट कॉन्टिन्यूअस सर्विस इन अनदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन द पोस्ट कैरिंग सेम ग्रेड पे प्रायर टू रेगुलर अपॉइंटमेंट इन न्यू डिपार्टमेंट विदाउट ब्रेक शैल आल्सो बी काउंटेड टुवर्ड्स क्वालिफाइंग रेगुलर सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ एमएससीपी ओनली. ये माना गया है, इसमें ये कहा गया है कि पास्ट कंटिन्यूअस रेगुलर सर्विस दूसरे अगर किसी गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट में है इन द पोस्ट कैरिंग सेम ग्रेड पे प्रायर टू रेगुलर प्रमोशन इन न्यू डिपार्टमेंट विदाउट ब्रेक शैल आल्सो बी काउंटेड टुवर्ड्स क्वालिफाइंग रेगुलर सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ एमएससीपी. मतलब कोई पहले अगर गवर्नमेंट में है या डिपार्टमेंट में है और उसने बिना ब्रेक किए कोई नया डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है, तो उसकी जो सेम ग्रेड पे में हो, मतलब पहला जो हमारा डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट में सेम ग्रेड पे था, उसने दूसरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, सेम ग्रेड पे में ही ज्वाइन किया, उसने अपनी सर्विस को ब्रेक नहीं किया गया, तो उसकी जो पहली सर्विस थी वो क्वालिफाइंग सर्विस, रेगुलर सर्विस मानी जाएगी. इसमें अभी नेक्स्ट पैरा में स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस कंपनी के बारे में बताया गया है. उस पर देखिएगा क्या उसका प्रोसीजर एमएससीपी के लिए काउंट होता है कि नहीं होता है. पास सर्विस, तो इसमें कहा गया है पास सर्विस रेंटर्ड बाय रेलवे एम्प्लॉय इन अ स्टेट गवर्नमेंट स्टेशनरी बॉडी ऑटोनोमस बॉडी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ रेलवे शैल नॉट बी काउंटेड टू आर रेगुलर सर्विस. तो उसमें जो पहला सेम गवर्नमेंट बताया गया था और डिपार्टमेंट बताया गया था. अब जो पास सर्विस के कोई रेलवे एम्प्लॉय है उसने स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस की हो, स्टेशनरी बॉडी में या ऑटोनोमस बॉडी पब्लिक सेक्टर में सर्विस की गई हो, वो हमारी रेगुलर सर्विस में नहीं मानी जाएगी. रेगुलर सर्विस शैल इंक्लूड ऑल पीरियड डिस्पेंड ऑन रेप्यूटेशन फॉरन सर्विस स्टडी लीव एंड ऑल काइंड ऑफ लीव ड्यूली सेंसर्ड बाई कंपेटेंट अथॉरिटी. जो लीव में थे हमने उसमें टाइप में आपको बताया था कि स्टडी लीव जो होता है या रेप्यूटेशन फॉरन सर्विस जो होता है, और जो ऑल काइंड ऑफ अदर लीव होती है जो कंपेटेंट अथॉरिटी जिसको ग्रांट करता है, वो रेगुलर सर्विस में हमारी मानी जाएगी. MSCP के लिए जो रेगुलर सर्विस होती है उसमें मानी जाएगी. द MSCP शैल आल्सो बी एप्लीकेबल टू वर्क चार्ट एम्प्लॉय इन इफ़ दियर सर्विस कंडीशंस आर कंपेरेबल विद द स्टाफ ऑफ रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट. वर्क चार्ट एम्प्लॉय जो हैं उनकी जो MSCP उनके लिए भी MSCP स्कीम हमारी एप्लीकेबल है. एग्जिस्टिंग टाइम बाउंड प्रमोशन स्कीम इंक्लूडिंग इन प्रमोशन स्कीम स्टाफ कार ड्राइवर स्कीम और एनी अदर काइंड ऑफ प्रमोशन स्कीम एग्जिस्टिंग फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय इन रेलवेज में कंटिन्यू टू बी ऑपरेशनल फॉर द कंसर्ट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज इफ़ इट इज़ डिसाइडेड बाई कंसर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू रिटेन सच स्कीम आफ्टर नेसेसरी कंसल्टेशन ऑफ दे मे स्विच ओवर द MSCP. हाउएवर देयर स्कीम शैल नॉट रन कॉन्करेंटली विद द MSCP. अब स्टाफ कार ड्राइवर के लिए जो स्कीम थी उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे. आइए आगे चलते हैं। मॉडिफिकेशन क्या है? एबव रूल स्टेटिंग दैट द स्कीम शैल नॉट रन कॉन्करेंटली विद द एमएससीपी स्कीम मॉडिफाइड एज सच द स्टाफ कार ड्राइवर स्कीम एंड द एमएससीपी स्कीम रन करेंटली। मतलब पहले इसमें यह था कि जो स्टाफ कार ड्राइविंग स्कीम है और एमएससीपी स्कीम है वो साथ में नहीं चल सकती हैं, तो इसी में मॉडिफिकेशन दे दिया गया हमारा कि उसमें ये बता दिया गया कि स्टाफ कार ड्राइविंग स्कीम एंड एमएससीपी स्कीम वो साथ साथ चल सकती हैं। जब हम आपको वो उसका चैप्टर पढ़ाएंगे स्टाफ बेनिफिट फंड का एसबीएफ का, तो उसमें हम स्टाफ कार ड्राइविंग स्कीम के बारे में लेके आएंगे, तो उसी के बारे में आप जान लीजिए कि स्टाफ कार ड्राइविंग स्कीम और एमएससीपी स्कीम अब नए मॉडिफिकेशन में साथ साथ चल सकती हैं। ये विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एज अ नॉलेज के लिए है। The MACP is directly applicable only to railway employees. It will not get automatically extended to employees of the autonomous stationary bodies under the administrative control of the Ministry of Railways. मतलब ये बताया गया है जो MACP स्कीम है वो हमारी डायरेक्टली रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए है। वो हमारी जो रेलवे की तरफ से जो ऑटोनोमस बॉडी चल रही है, स्टेशनरी बॉडी चल रही है, जो रेलवे के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हो, उसके लिए हमारी ये नहीं है। कीपिंग इन व्यू ऑफ फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व ए कॉन्शियस डिसीजन ऑफ दिस रिगार्ड शैल हैव टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट बॉडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। अगर किसी ऑटोनोमस बॉडी या स्टेशनरी बॉडी या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव या कोई ऐसा जो ग्रुप है जो रेलवे के एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में है और उसको एमएससीपी स्कीम में लाना है, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे या गवर्नमेंट बॉडी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हमारी परमिशन लेनी होगी। इफ़ अ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द एमएससीपी इज डिफर्ड एंड नॉट अलाउडेड आफ्टर 10 ईयर्स इन द ग्रेड पे ड्यू टू द रीज़न ऑफ द एम्प्लॉयज़ बीइंग अनफिट और ड्यू टू डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग ETC, दिस वुड हैव कॉन्सिक्वेंस इफेक्ट ऑन द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन विच वुड आल्सो गेट डिवर्ड ऑफ द एक्सटेंशन डिले इन ग्रांट ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। अगर किसी कारणवश MSCP जो है 10 साल में किसी कैंडिडेट को नहीं मिल पा रही है, कई रीजन उसके हो सकते हैं, एंड फिर ड्यू टू डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के वजह से नहीं हो पा रहा है या वो अनफिट हो जा रहा है, तो 10 साल में उसको ग्रेड पे नहीं मिल पा रहा है, तो जो डिफर्ड हो जाएगा वो फर्स्ट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन से जो उसका सेकंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन या जो नेक्स्ट उसके सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है वो डिफर हो जाएंगे। तो साथियों, इस वीडियो में एमएससीपी के बारे में हम आपको इतना बताएंगे। एमएससीपी से रिलेटेड जो सेकंड वीडियो है वो हम आपके सामने जल्द ही लाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में बताने पर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तब तक साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।